विश्राम धाज में बहुत सारी शिकायतें लेकर आई हूं जो तुम्हें सुननी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना विक्रांत, आई हेट हॉस्पिटल्स। पता है बचपन में भी मुझे हॉस्पिटल जाने से डर लगता था, तब तो कुछ समझ में भी नहीं आता था सच क्या है और वहम क्या है। ऐसा लगता था जैसे हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया एक ही है। सोचो मुझे जो कुछ भी दिखता है और महसूस होता है, ऐसे में इन दीवारों के बीच में मेरी क्या हालत होती होगी। बस विक्रांत अब उठ जाओ, मेरी ऐसी हालत हो गई कि आजकल मैं तुम्हारे सड़े हुए जोक्स भी मिस करती हूँ। पर जब तुम ठीक हो जाओगे ना, तब मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगी कि तुम इतने वीक हो कि स्ट्रेस से ही कोमा में चले गए। अदिति, तू नहीं, लोग मुझे साहेब बोलते हैं। साला पुलिस, पुलिस को गाली, गलत बात। एएसपी अदिति शर्मा, दिल्ली पुलिस। एसीपी विक्रांत सिंह, मुंबई पुलिस। जय हिंद सर। जय हिंद। रुक, कौन है तुम और यहां पर क्या कर रही हो? हाथ नीचे करो। मेरा नाम आदिति है। Congratulations to you. आखिर तुमने अपनी तरह मुझे भी अजीब बना ही दिया। कहाँ थे तुम? कब से कॉल कर रही थी, तुम्हें फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे मैंने तुमसे कहा था ना, मैं ऋषु को तनुज के घर पे छोड़ने गया था। हाँ पर एक फोन तो कर सकते थे। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ हता पता ही नहीं तुम्हारा। मैं क्या करूं, मुझे ड्यूटी करते समय फोन पे बात करने की आदत नहीं है। हाँ तो अब आदत डाल लो। मतलब कुछ नहीं। क्या हुआ? खैर ये इंसानों की बातें मैं फिगर आउट करूंगा। उस बस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें अंदर से? तुम तो काफी एक्सपर्ट हो इन चीजों में। नहीं नहीं अभी तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन विक्रांत सर, मैं इकबाल खान। लोकेशन कहाँ? सर आइए। मैडम आप यहीं रुके। जानती हूँ औरतों को कब्रिस्तान जाना मना है, लेकिन उसकी चिंता आप मत कीजिए। चलिए। तुम ठीक हो? हाँ। दो जूस ले लो। अब तुम कह नहीं पाओगी कि विक्रांत सर अपने जूनियर्स का ख्याल नहीं रखते। लो जूस पी लो, नहीं तो अगली बार दाल का पानी पिलाऊंगा। थैंक यू। हाँ आदिति, एक स्पेशल केस है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे आदिति बोला था ना स्ट्रेन नहीं लेना है। फोन पे बात करने पे क्या स्ट्रेन होता है? मैं तुम्हारी नहीं खुद की बात कर रहा हूँ, तुमसे बात करके मुझे स्ट्रेन होती है। बैड जोक विक्रांत। वैसे जोक नहीं था। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? थोड़ा बेटर, पर अभी भी याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ थी। अरे तो अच्छी बात है ना, वैसे भी हमारा दिमाग जो है वो ट्रॉमेटिक चीज़ों को याद नहीं रखता, इससे ठीक होने में आसानी होती है। ज़्यादा सोचो मत, रिलैक्स करो। वैसे भी तुम कौन सा काम करती थी? सारे केसेस तो मैं ही सॉल्व करता था। अच्छा तो अभी वाला केस सॉल्व कर लिया? वही करने जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। ठीक है। अरे आदिति तुमने फिर मेरी तारीफ कर दी।
यार प्लीज मुझे हम्बल रहने दो, हाँ प्लीज। और ये मेरी पत्नी आदिति, हम शहर से आए हैं उस पवित्र पेड़ की पूजा करने। दरअसल शादी के इतने सालों बाद भी हमें बच्चा नसीब नहीं हुआ ना, इसलिए। जैसे कि खाना टाइम पे खा लो, टाइम पे सो जाओ, जंगल में अकेले मत जाना, नहीं तो मूंजे आ जाएंगे। ये मूंजे है या गब्बर सिंह? विक्रांत! चलो 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 चलो, सॉरी। यही सॉल्व कर दिया। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन विक्रांत सर। प्लेजर इज ऑल माइन मैडम। और तुम्हारी कलीग अदिति? हाँ ठीक है, बेड्रेस पे, वरना ऐसे केसेस में उसका मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन तेरे लिए मैं ही काफी हूँ। ये यहाँ आए हो? कौन है तुम? मेरा नाम अदिति, शिवानी ने मुझे यहाँ भेजा है किसी की मदद करने। रावण को मारना है तो राम तो बनना होगा। मतलब वनराज को कोई खत्म कर सकता है तो वो है विक्रांत। तुम मुझे मार नहीं सकते, इस दुनिया को नहीं बचा सकते, और अगर मैं मरा तो तुम दे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या शहीद सिपाहियों की तस्वीरों में लेट विक्रांत सिंघल की तस्वीर लग जाएगी और तुम उसके सामने खड़े रहकर सल्यूट करना? विक्रांत, मैं मजाक नहीं कर रही। थैंक यू। क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। थैंक यू। किस बात के लिए? अंदर तुमने मेरी इतनी तारीफ शो की। तारीफ सिर्फ नाम के लिए नहीं की अदिति, जो भी कहा सच का। कुछ नहीं, तुम अपने घर पे हो, सेफ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें।
आराम से बैठ जाओ। कमाल यार, सुरेश सर ने अब तक नहीं बताया कि हम किस केस के लिए गोवा आए हैं। आज सुबह भी बात हुई इनसे, बोल रहे कोई सीक्रेट असाइनमेंट है। सीक्रेट असाइनमेंट? हाय, आई एम गिरीश, एसीपी विक्रांत। आदित्य शर्मा? गिरीश, ओह माय गॉड, लॉन्ग टाइम। या लॉन्ग टाइम। अच्छा, तो आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं? यस, एक्चुअली एकेडमी में ये मेरी जूनियर थी, चाहती तो आईएएस बन सकती थी लेकिन उन्होंने आईपीएस चुना। गुड टू सी यू एएसपी आदित्य शर्मा। सेम यार। और तुम यहाँ के कलेक्टर कब से बन गए? बस अभी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है मेरी। आप दोनों का कैचिंग अप हो गया हो तो केस के बारे में जान सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। एक्चुअली मैटर बहुत सेंसिटिव था तो मैंने सोचा कि पहले बताऊं या नहीं बताऊं। दैट्स परफेक्टली फाइन, ऐसी चीजों को कॉन्फिडेंशियली रखना चाहिए। एम्पायर, सीरियसली तुम्हारी सुई तो वहीं पे अटकी हुई है। आई नो ये अभी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है पर क्या पता वो सच में वैम्पायर अटैक हो। उन मार्क्स को नहीं देखा था तुमने? उनके बीच का डिस्टेंस उतना ही था जितना कि एक इंसान के कनाइन दांतों के बीच में होता है। और बॉडी में ब्लड लॉस भी था। एक मिनट अदिति, ये वैम्पायर एक विदेशी लेजेंड है, उसे वहीं पे रहने दो, इंडिया तक घसीट कर मत लाओ। और रही बात खून चूसने की, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे भ्रष्ट लोग हैं, हमें वैम्पायर्स की जरूरत नहीं है। सॉरी, नो ऑफेंस, मेरा रेफरेंस तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड कलेक्टर गिरीश से नहीं था। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इंटरेस्ट किस में है, गिरीश में या उस वैम्पायर में, इतना अपसेट क्यों हो रही हो? बेचारी, गिरीश के साथ तुम्हें सेकंड चांस मिला लेकिन तुमने उसे भी फुस कर दिया। अभी मौका है, जाना है तो वापस जा सकती हो। नो थैंक्स, मैं तुम्हारे साथ ही ठीक हूं। अजीब केस इसको सॉल्व करने में थी। काश इसका जवाब मेरे पास होता, लेकिन कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर होती है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन उस घर में कुछ तो अजीब था, बट स्ट्रेंजली मैंने वहां कुछ महसूस नहीं किया। तुम्हारे फोन ने तो किया, एक ही बात, सत्य बच्चन।